गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर मैथ्स क्लास। इन दिस क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर 4 ऑफ डिस्कवरिंग मैथ्स बुक। सो लेट्स स्टार्ट। इन अवर प्रीवियस क्लास वी विल कंप्लीटेड प्रैक्टिस जोन 1 to 5। इन दिस क्लास वी विल डू अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो इन दिस प्रैक्टिस जोन 6 राइट द प्रोडक्ट। अब इसका क्या प्रोडक्ट लिखना है, जैसे 43 मल्टीप्लाई बाई 10 ये कितना आएगा 430। बी पार्ट में है 658 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 6580। ऐसे ही आपने ये रिमेनिंग भी करना है, ये बुक के अंदर ही आप सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 7। प्रैक्टिस जोन 7 में कह रहे हैं एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। देखिए सब इसके अंदर मैंने आपको 3 पार्ट सॉल्व करवाए हैं और 3 आप खुद करेंगे। सो इसका ए पार्ट देखते हैं। सबसे पहले 554 मल्टीप्लाई बाई 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 554 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 जा 16 कैरी 1, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 1 कैरी 2, 4 5 जो 20, 20 प्लस 2 22। इसी को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11। अब दोनों टर्म को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13,296। ऐसे आपके ये जो रिमेनिंग इसके मल्टीप्लिकेशन है आपने सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 8। प्रैक्टिस जोन 8 में अपने को दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिलअप है, इसको फिल करना है अपने को। जैसे ए पार्ट के अंदर अपने को 456 मल्टीप्लाई बाई 123 दे दिया। अनदर साइड पूछ रहे हैं 123 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उतनी वैल्यू आए, तो इस साइड भी वो सेम ही वैल्यू होगी, 456 रह जाएगा तो 456 ही यहाँ करेंगे। बी पार्ट का भी वैसे करिए। बी पार्ट के अंदर अपने को कह रहे हैं, अब सिक्स सेवेंटी नाइन को किससे मल्टीप्लाई करें कि उस साइड भी, अब देखो दोनों वैल्यू अपने को सेम करनी है तो इसको 245 से करेंगे, अनदर साइड को 679 से करेंगे। ऐसे ही इसके आप रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, ये बुक के अंदर ही सॉल्व करना है। और पिछला वाला प्रैक्टिस जोन 7 वो नोटबुक के अंदर करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 9, ये आप नोटबुक में करेंगे। अब समझते इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं ए पीस ऑफ केक हैज़ 347 कैलोरी इन इट। अब कह रहे हैं एक पीस है केक का, उसकी कितनी कैलोरी है, 347। अब कह रहे हैं हाउ मैनी कैलोरीज आर देयर इन 8 पीस ऑफ केक। अगर 8 पीस दे दिए जाएँ तो उसमें कैलोरी बताना है, तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो इसका कैलोरीज निकल जाएगा। अनदर वन इज़ देयर आर 2 3 4 7 शीट्स ऑफ पेपर इन अ बॉक्स, हाउ मैनी शीट्स आर देयर इन 15 बॉक्सेस। अब यहाँ कह रहे हैं कि 2,347 शीट्स हैं, पेपर शीट हैं एक बॉक्स के अंदर। अब कह रहे हैं 15 बॉक्स के अंदर कितनी शीट्स होंगी, तो वैसे ही 15 से इसको मल्टीप्लाई किया। अनदर सी पार्ट, सी पार्ट के अंदर कह रहे हैं दीपाली हैज़ 23 पैकेट्स ऑफ स्टैंप, देयर आर 112 स्टैंप्स इन ईच पैकेट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैंप दीपाली हैज़। अब कह रहे हैं दीपाली के पास 23 पैकेट्स हैं स्टैंप के, और एक पैकेट के अंदर कितनी स्टैंप्स है, 112, तो टोटल बताना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट डी पार्ट, द वेट ऑफ अ बॉक्स इज 345 किलोग्राम, हाउ मच विल बी द वेट ऑफ 125 सच बॉक्सेज। अब कह रहे हैं वेट, एक बॉक्स का वेट है 345 किलोग्राम, और 125 बॉक्सेज का बताना है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ई पार्ट में द कॉस्ट ऑफ वुडन चेयर, एक वुडन चेयर की कॉस्ट दे रखी है कितनी, 1,387, और बतानी कितने की, 78 की, तो 78 मल्टीप्लाई बाय दिस 1,387, तो ये अपना आंसर आएगा इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।